बाद में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक मॉक ड्रिल किया गया है, जिसमें अगर कोविड के कारण कोई डेथ हो जाती है तो उसकी बॉडी को अस्पताल से या मोर्चरी से कैसे एम्बुलेंस में हम लेके जाएंगे और कैसे उसको जो क्रीमेशन ग्राउंड है या बरील ग्राउंड है वहाँ तक लेके जाएंगे, तो उसमें किस तरह से उस बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, जलाया जाएगा, और किस तरह से जो रिचुअल हैं वो किए जाएंगे। तो इसमें जो हमारे जो हेल्थ के एम्प्लाई थे आज, उन्होंने यहाँ अस्पताल में पीपी किट पहनकर और एक जो है डमी को लेकर के ये मॉक ड्रिल किया है, और इसके अंदर आज हमारे पास SDM उचाना, BDPO जिले के सारे तहसीलदार, सभी ग्राम सचिव, म्यूनसिपल कमेटी की जो JE है वो सभी आए हुए थे। तो उनको हमने एक डेमो करके दिखाया है कि अगर कोविड के कारण अस्पताल में डेथ हो जाती है या बॉडी पोस्टमार्टम रूम में रखी हुई है तो उसमें हम एम्बुलेंस में क्या क्या सावधानी रखेंगे, जैसे PPE किट पहन के सैनिटाइज करके उसको एम्बुलेंस से उतार के, तो जो भी सावधानी रखी जाएंगी उसका हमने पूरा विस्तार से बताया है। और जो हेल्थ का हमारा डिपार्टमेंट का जो रोल है वो अस्पताल से या मोर्चरी से डेड बॉडी को लेके एम्बुलेंस में और क्रीमेशन ग्राउंड तक पहुँचाना है, और उसके बाद में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है जिसमें उनके तहसीलदार हैं, ग्राम सचिव हैं, BDPO हैं, तो उनका रोल वहाँ पर शुरू होता है। कितने सैंपल लिए गए सर? हमारे जो आज तो टोटल 77 सैंपल हुए हैं, और जो आज तक हमारे सैंपल हुए हैं 5550 हुए हैं, और जो रिपोर्ट्स हैं वो करीब 5300 के आसपास रिपोर्ट्स आई हैं, और 250 के पास आसपास जो है हमारी जो रिपोर्ट अवेटेड है। और अभी तक जिला जींद के अंदर 29 जो केस आए हैं, जिनमें से 20 केस बिल्कुल ठीक होकर अपने घर आ चुके हैं, और 8 एक्टिव केस बचे हुए हैं, और एक जो केस था तो उसके अंदर कोरोना भी था और कैंसर के कारण उसकी डेथ हो गई थी।